तो यहाँ खाद को भर रहे हैं। दिखा दो चंदन। तो ये दो जोड़ एक ही डिजाइन का है, एक जोड़ अलग है। तो ये तो देखिए खाना बन चुका है, यहाँ पर लाकर रख दी हूँ। और सब्जी हमारा कुछ इस तरह बना है, आलू गोभी गाजर का सब्जी कुछ इस तरह बना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आलू काट ली हूँ, थोड़ा सा गाजर है, गोभी और तड़का काट के रख दिए हैं। चाय हमारा बन गया है, तो चलते हैं चाय को पहले छान लेते हैं। थोड़ा चाय ठंडा हो गया उतार के रखने की वजह से। तो गिलास में चाय निकाल रही हूँ। आज के वीडियो में ब्लॉगिंग है दोस्तों, लास्ट तक देखना। आज हम सबका बड़ा मेहनत का काम है। आज संडे है, दिन भर सब घर पे ही रहेंगे। आज संडे है ना, बच्चों को ज्यादा चाय पीना भी नहीं चाहिए, अंजलि को खास कर चाय पीना नहीं चाहिए, है ना अंजलि? हाँ, ये लो चाय, अपना फ्राक बटोल लो। तो यहाँ पर रस दे देते हैं, अंजलि का गिर गया। तो यहाँ सबको रस दे दी हूँ। चाय कैसा बना है? अच्छा बना है। तो आते हैं, पीकर बहुत अच्छा लगा, पीकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों सब लोग चाय पी चुके हैं, यहाँ पर चलती हूँ सब्जी बनाती हूँ और आप सबको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जीरा डाल दी हूँ, यहीं पे कटी हुई मिर्च प्याज डाल देते हैं। मसाला हमारा, तड़का हमारा भून गया है, यहीं पे मसाला डाल देते हैं। हमारा मसाला भून गया है। आज शीतल गुंजन हाथ बटा रही है, सुबह सुबह आज स्कूल नहीं जाना। सब्जी मेरे किचन गार्डन का है, गोभी। हाँ, गोभी डाल देते हैं। गोभी को पहले डाल दी, यहीं पे डाल देते हैं गाजर को। तो यहीं पे आलू को डाल देते हैं, सब्जी के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो सब्जी के अनुसार पानी डाल देते हैं लंबे। तो दोस्तों खाना बन चुका है, यहाँ पर लाकर रख दी हूँ। और सब्जी हमारा कुछ इस तरह बना है, आपको दिखाती हूँ। तो आलू गोभी गाजर का सब्जी कुछ इस तरह बना है। खाना बना ली हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। आज छुट्टी है तो शीतल गुंजन किस काम में लगी है? क्या क्या बन रहा है अंजलि? टेलीफोन चूल्हा बन गया, नजदीक से दिखाओ। ये शीतल का है, इसमें क्या क्या बनाई है, भगोना, कुकर, चूल्हा और पता नहीं क्या क्या बनाई है। ये वाला टेलीफोन बहुत अच्छा है, ना रिचार्ज करना है, मतलब मोबाइल फोन, और ना ही इसमें चार्ज करना पड़ेगा, बात बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर चूल्हा बन रहा है, अंजलि का चूल्हा कुछ इस तरह है। और वहाँ पर चूल्हा बनाना है, यहाँ पर खिलौना कुछ इस तरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इतना सारा खिलौना बना ली है और अब चलते हैं काम करते हैं, आगे का वीडियो शूट करेंगे। तो सबके लिए टब्स खरीद के लाई हूँ, आप सबको दिखाती हूँ, टाइटल भी डाली हूँ तो बताऊँगी। और नज़दीके से दिखा दो चंदन। तो ये दो जोड़ एक ही डिजाइन का है, एक जोड़ अलग है। तो ये देखिए कुछ इस तरह इसका पेच है, इधर से कुछ इस तरह पेच है। तो बिल्कुल सोने जैसा दिख रहा है, लग रहा है सोने का। तो और यहाँ पर बक्कल खरीद ली हूँ दो, टूट गया था सारा बक्कल, एक ये छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो अंजलि ये किस चीज़ का है? सोना है, सोना है, तो इसीलिए टाइटल डाली हूँ। अंजलि बोल रही है ये सोने का है और ये पीतल है। तो दोस्तों ये वाला पीतल का ही है, ये वाला लेगी, शायद लोहा ही होगा, पीतल कहाँ मिलने वाला है इस समय। और यहाँ पर अंजलि का कान में तार लगा है अभी, तो अभी तो एक मैं पहन ली हूँ, एक शीतल पहनी है, गुंजन पहले से पहनी है, अंजलि अभी चार पहनी है, दो रख देते हैं, बाद में पहनेंगे सब। तो यहाँ पर यही था दोस्तों, आप सबको दिखाई, जो भी हमारे पास रहता है वो सोने चांदी से कम भी नहीं समझना चाहिए, चाहे शीतल हो या सोना हो। तो
अंजलि का कान अभी ठीक नहीं है पहनाने तक कि पहना दे अंजलि, पहना दी बोल रही है पहना दे। तो दोस्तों यहाँ पर खाद भर रहे हैं, वैसे मेरे पास तो भैंस है नहीं, तो ये हमारे विशाल के यहाँ पर खाद गिराए थे, गोबर रखे थे सब, तो ऊपर का उठा ले गए हैं, नीचे ज़मीन का था तो थोड़ा सा हम भी ले जा रहे हैं, बोरे में भर रहे हैं। तो किचन गार्डन में ये गोबर का खाद देखिए सड़ा हुआ, इसी तरह हम हर साल डालते हैं, तो यहाँ पर भर रही हूँ बोरे में। नदी कैसे दिखाऊँ, वैसे ये पेवर खाद नहीं है, इसमें मिट्टी मिल गई है नीचे ज़मीन का है जो, और ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इस मिट्टी में फूल पत्तियां जो भी बैठाओगे बहुत अच्छे से लगेगा। और आप सब देखे होंगे सीजन सीजन में मैं सब्जियां तैयार कर लेती हूँ, तो भर लेती हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए मैं कहाँ पे आई हूँ, कुछ इस तरह लोकेशन है, तो यहाँ गेहूँ के पास आई हुई हूँ, तो यहाँ पर भर लेते हैं थोड़ा खाद और चलते हैं घर पे, कड़ी धूप है और देखिए हमारा घर उतना दूर है ले जाना है। मिट्टी सही खोद के भर रहे हैं, तो यहाँ खाद को भर रहे हैं। तो दोस्तों धूप ज़्यादा था, चली आई यहाँ छाँव में, और बैर भी बीन के खा रही थी, देखिए इतना पाक पाक बैर सब गिरा हुआ है, पका पका बैर सब गिरा है ज़मीन में, यहाँ पर सब डाल का पका हुआ बैर है, देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा अच्छा जो है वही बीनी ताजी बैर है आज का गिरा हुआ। अब चलते हैं खाद भरते हैं, ले जाते हैं हम सब। चंदन यहाँ पर बैर तोड़ रहे हैं, बैर खाएंगे अब, हाथ वैसे साफ नहीं है, खाद ही है दोस्तों, आप सबको अच्छा नहीं लगेगा देख कर ये बात सुनकर। तो यहाँ चंदन हम मिलके खाद ढो लाए हैं, यहाँ देखिए किचन गार्डन में छीर रहे हैं, इसी तरह सब्जी जब लगाने से पहले इसमें खाद हम सब फेंकते हैं, तब जाकर अच्छा सा सब्जी उगता है। इस समय गोभी 50 रुपया किलो है, और मेरे किचन गार्डन में गोभी अब तैयार हुआ है जाकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ गोभी अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा 2-3 दिन में। और यहाँ पर आप सबको दिखाई सारे पौधे में इसी तरह फूल आया है, तो हमारा ये गोभी करीब 15-20 दिन तक चलेगा, निकलेगा सब्जी। और आइए आप सबको दिखाती हूँ अपना खेती किसानी, तो डेली वैसे हफ्ते में 1-2 बार दिखाते हैं। अब जाकर मेरा आप सब बहुत कम देखे होंगे कि इतना बैंगन फरता है, देखिए एक एक डाल में इतना 10-10 बैंगन है, अभी पता नहीं कितना निकलेगा बैंगनी कलर का, देखिए ढेर सारा बैंगन एक किनारे से फर रहा है, देखिए कितना सारा। तो अभी आप सबको मैं दिखाई मेरे किचन गार्डन का सब्जी कुछ इस तरह फरता है, और फरने का राज यही है, देखिए गोबर का खाद डालती हूँ। तो गोभी में किसान अनेक प्रकार की दवाइयाँ छिड़काव करते हैं गोभी के बचाव के लिए, मैं कुछ भी नहीं छिड़काव करती, गोभी समय समय पर तैयार होता रहता है। साथ में देखिए फूल भी लगाई हूँ, इस तरह फुला रहा है, बड़ा बड़ा दिखाई थी। इधर हमारा प्याज लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, ये वाला साग बहुत कम मिलता है देखने को, लेकिन ये साग इसलिए अभी 2-4 पौधा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खेतों में कहीं बैठा देंगे, ढेर दूर तक हो जाएगा। चंदन को थकावट लग गया, अब चलते हैं थोड़ा हम भी करते हैं, चंदन इतना मदद करवा दिए, बहुत करवाए, तो खाद को फैला रही हैं, बराबर फैलाना है इसको, यहाँ पर खाद फैला रही हैं कुदाल से। तो यहाँ पर पूरा खाद की छिटाई कर दी, शाम को इसको सिंचाई कर देंगे ताकि खाद अच्छे से घुल जाए मिट्टी में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो हमारे कई भाई बहन बोले हैं तरह तरह कमेंट इसी टॉपिक पे आया है कि जे ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली रेसिपी ही बनाया करो संगीता, तो ठीक है दोस्तों कोशिश करेंगे बनाएंगे, और ब्लॉगिंग भी थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे बीच बीच में। आप सबसे बताई रेसिपी में पैसा लगता है, तो सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें,
तो इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।